अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और मैंने कनाल पटवारी के लिए क्वालिफ़ाई किया था। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं बहुत मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से, यूट्यूब से तैयारी कर रहा था। तो मुझे जो है ना, ये सारकी अकेडमी जो है ना, ये कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी जो है ना, वहाँ से जो है ना एक्सपीरियंस इंटरव्यू के शो हो रहे थे, तो मैंने फिर देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए इनको। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एकेडमी। तो मेरा रोल नंबर था CPI 53। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ। तो पहले मैं गया, मेरा कम इन सर, उन्होंने कहा यस आ जाइए। फिर मैं चला गया, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, तो उन्होंने कहा बैठ जाइए। मैंने कहा थैंक यू। फिर उन्होंने, चेयरमैन साहब ने और दूसरे जो कंप्यूटर वाले थे, उन्होंने डिपार्टमेंट वाले जो सर थे, मेंबर थे, उनकी तरफ इशारा किया। तो उन्होंने मुझसे कहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। तो मैंने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उसने सवाल किया कि अभियान असेसमेंट क्या होता है, मैंने उसको फिर बता दिया। उसके बाद उसने पूछा कि ये जो मैप है ना, तो ईस्ट से वेस्ट जो दरिया बहते हैं उनके नाम बताएं। तो फिर मैंने बताया उनको, सतलुज है, रावी है, ब्यास है, ये इनके नाम बताए थे। इनका ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना, और भी उसने क्वेश्चन किए थे और पूछा कि जो राइस है ना, तो उसका क्या अभियान है। फिर मैंने बताया सर 2000 है। उसने कहा ठीक हो गया। फिर उसने कहा अगर आपको पटवारी बनाकर, बल्कि उसने सवाल नहीं किया था, तो उसने फिर रेफ़र कर दिया कंप्यूटर वाले के पास। तो उन्होंने पूछा कि बेटा बेटा आपने क्या किया हुआ है। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो उन्होंने वहाँ से मुझे पूछा कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूछा कि इसमें क्या क्या होता है। फिर मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन और भी किए और मुझसे पूछा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा था। मैंने उनको बता दिया। फिर उनके बारे में उसने क्वेश्चनिंग की, उनको फिर बताया। तो बाद उस सर ने फिर चेयरमैन की तरफ उसने कर दिया। तो चेयरमैन साहब ने पूछा कि बेटा आप क्या करते हैं। मैंने कहा सर मैं फार्मिंग करता हूँ, मतलब खेती बाड़ी। उनको बताया, उसने कहा ठीक हो गया। फिर उसने पूछा क्या क्या काश्त करते हैं। फिर मैंने बताया कि मैं गन्ना काश्त किया हुआ है, धान काश्त की हुई है, कपास काश्त की हुई है, तो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फिर पूछा कि गन्ना मतलब कितने मतलब फसल, कितनी मतलब साल की फसल है या कितने मंथ की फसल है। मैंने बताया कि सर ये साल की फसल है। और उन्होंने पूछा कि सर हर साल काश्त करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, जो एक एक बार काश्त करते हैं उसके बाद ये 3 साल ये वही चलती रहती है। उसने कहा ठीक हो गया। उन्होंने कहा फिर क्या औसत आती है इनकी एकड़ के हिसाब से। मैंने कहा सर 800 मान होती है फी एकड़। उन्होंने कहा इसका क्या रेट था। मैंने कहा सर पिछले ईयर तो था 450 फी मान, इस बार का पता नहीं कितना बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक हो गया। फिर वो इस उसने यही पूछा था कि ज़मीन कितनी है। मैंने कहा सर ये ज़मीन जो है ना, वो हमने ठेके पे ली हुई है, इस तरह करके मैंने कहा था सर को। उन्होंने कहा ठीक हो गया, बस ये क्वेश्चन है कि उन्होंने। फिर कहा ठीक है बेटा, थैंक यू।